ऐसा कर भाई, तू बियर्ड ऑयल लगा ले, तेरी दाढ़ी आ जाएगी सिर्फ 1 महीने में। अगर उससे भी नहीं आती है तो तू प्याज का रस लगा ले, उससे तेरी दाढ़ी आ जाएगी। यार ये क्या सुनने को मिलता है भाई, जो कम एज वाले होते हैं, जैसे कि 15 से लेकर 20 वर्ष के बीच में कोई व्यक्ति होता है, तो यार उसे बहुत तेज़ी होती है दाढ़ी ग्रो करने के लिए। ये बात सही है, हज़ारों लोग हैं जो गूगल यूट्यूब पर सर्च करते हैं हाउ टू ग्रो योर बियर्ड, ठीक। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी एज 15 से लेकर या 20 20 के वर्ष में है, तो आपको दोस्तों ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आप बियर्ड ऑयल लगाते रह जाओगे, आईने में देखते रह जाओगे, लेकिन आपकी बियर्ड ग्रो होने वाली नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं मेरी भी दाढ़ी जो है थोड़े थोड़े दिखे मेरे गालों पे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपकी एज कम है, यानी कि 15 से लेकर 20 के बीच में है, तो आपको मिनोक्डील बियर्ड ऑयल से बिल्कुल यूज नहीं करना है, ओके। आपको क्या करना है दोस्तों, उसके लिए वर्टिलाइज़र बनाया गया है, जो कि मैं सबको बताता हूँ हर एक वीडियो में, जिनकी बियर्ड नहीं है और एज कम है उनके लिए वर्टिलाइज़र ही सही है। अगर आप वर्टिलाइज़र लगाते हो तो दोस्तों आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट आपको मेरी तरह रिजल्ट नहीं मिलेगा, उससे भी रिजल्ट मिलता है। लेकिन आपको क्या करना है, जब आपकी एज 20+ हो जाए तब आप मिनोक्डिल लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको यही करना है, आपकी दाढ़ी दोस्तों ग्रो हो जाएगी 110%।